One. Myself, Dr. Roma Ghai, Associate Professor from Kite School of Pharmacy, Kite Group of Institutions, Ghaziabad would like to present my topic on methods in causality assessment, severity and seriousness assessment, predict predictability and preventability assessment. Now, this topic is actually Lecture Six, and it belongs to the syllabus of Pharmacovigilance B Pharm Pharmacovigilance syllabus and its BP 805 ET. So, let's begin. Now, first, let's see what is area monitoring process. Area monitoring involves following steps. First one is identifying adverse drug reaction. In my last lecture, I have told you how the areas are detected and how they are identified. So, so if you want to understand this more, you can see my lecture, uh, my previous lecture. Now, this next step is assessing causality. Now.

एंड टू चेक दैट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज अ कॉज ऑफ एन ऑब्जर्व एडवर्स इवेंट और नॉट तो ये बेसिकली क्या पार्ट बताता है क्या हेल्प करता है ये पार्ट हमको भरना पड़ता है कॉजल्टिवसेमेंट इन एरिया रिपोर्टिंग फॉर्म तो कॉजलिसेमेंट क्या है वो समझ लेते हैं सो इट्स असेंशियल पार्ट ऑफ एरिया रिपोर्ट टू चेक दैट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज अ कॉज ऑफ एंड ऑब्जर्व एडवर्स इवेंट तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर अ ड्रग इज द कॉज ऑफ द एडवर्स इवेंट सिंपल वर्ड्स रिलेशनशिप को असेस करने का काम क्या का मतलब है कॉजालिटी असेसमेंट सो इट यूज टू डिटर्मिन वेदर द एडवर्स इवेंट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द ड्रग प्रग एंड पॉसिबली ड्यू टू द ड्रग दस कॉजालिटी असेसमेंट इज अ मेथड बाय विच एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड असपेक्टेड रिएक्शन इज एस्टेब्लिश्ड

या बिकॉज क्योंकि बॉडी डिटोरेट हो रही है कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इवन दिखा दिखा रहे हैं सो फर्दर मोर इफ इट इज एन मेडिसिन किस मेडिसिन ने कॉज किया बिकॉज मेनी पेशेंट्स आर ऑन मल्टीपल न्यू ड्रग्स मल्टीपल न्यू मेडिकेशन चल रहे हैं जब पर्सन अब एडमिट होता है हॉस्पिटल में आप देखते हैं बहुत सारी ड्रग्स चलती हैं तो पता नहीं चलता एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया एक रैश आ गया बॉडी में सपोज तो पता नहीं चलता कौन सा ड्रग कॉज कर रहा है तो हम तब हमें क्या यूज करना पड़ता है कॉजालिटी असेसमेंट यूज करना पड़ता है इंस्पायर दिस प्रॉब्लम द डिसीजन दैट अ पर्टिकुलर ड्रग कॉज एड इज यूजली बेस्ड ऑन क्लिनिकल जजमेंट तो सिर्फ हम तब अपनी क्लिनिकल जजमेंट अपने दिमाग से सोचते हैं कि कौन सी ये प्र, ये प्रॉब्लम जो आई है किस ड्रग की वजह से आई है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल जजमेंट तब हम क्लिनिकल जजमेंट से ही कर पाते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव हमारा कॉजालिटी असेसमेंट का इट प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड इवेंट ठीक है अब सपोज कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप डेवलप हो गया इसका मतलब हुआ एक सिग्नल डिटेक्शन हो गया एक सिग्नल डिटेक्ट हो गया तो सिग्नल डिटेक्शन क्या है अ पॉसिबल कॉज रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड ड्रग एंड दैट रिलेशनशिप वॉज नॉट नोन वॉज अनोन और इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड प्रीवियसली तो कॉजेलिटी असेसमेंट हमें क्या हेल्प करता है टू गेट सिग्नल वी कैन फाइंड आउट द सिग्नल और वॉट इज द सिग्नल इट इज अ पॉसिबल कॉज रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड ड्रग

क्या सपोज अगर वो सल्फा टाइप है तो वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है तो फार्माकोलॉजी क्या है ड्रग की नेचर ड्रग कितने एडियार्ज आ चुके हैं फ्रीक्वेंसी थर्ड मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल पॉसिबिलिटी क्या चांसेस हैं राइट क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं एडी में क्या टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं क्या पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं क्या मेकेनिजम्स हैं सो so, स्टूडेंट्स क्या दूसरे कॉजेस को हम एक्सक्लूड करा जा सकता है तो ये सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करना पड़ता है इसको हम डिटेल में समझते हैं ठीक है क्योंकि केस रिपोर्ट डिस्क्राइब करता है तो हमें ये करना बहुत जरूरी है तो पहला फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टाइम एंड टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं टेम्पोरल रिलेशनशिप टेम्पोरल रिलेशनशिप क्या है कब ड्रग ली गई और कितने देर के बाद एडवर्स इवेंट हुआ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ड्रग सेस जिन लोगों को मिला मिला किस टाइप का रिएक्शन था यह सारी चीजें एडिया कितने टाइप के हैं मैं ऑलरेडी अपने पुराने लेसन में क्लियर कर चुकी हूँ किस नेचर का रिएक्शन है माइल्ड है सिवियर uh, है ठीक है लाइफ थ्रेटनिंग है एक्सक्लूशन अदर पॉसिबल कॉजे एक्सक्लूशन मतलब क्या अदर कॉजेस से ये एडिया प्रडिक्ट किया जा सकता है ठीक है डी चैलेंज जब भी हम बोलते हैं डी चैलेंज इसका मतलब क्या है क्या इवेंट सबसाइड हुआ ऑन स्टॉपिंग द ड्रग इसको हम और रिटेल में समझेंगे अगर हमने ड्रग को स्टॉप कर दिया क्या वो इवेंट जो एडवर्स इवेंट हुआ था रिएक्शन हुआ था वो सबसाइड हुआ री चैलेंज वेदर दीअपेयर रीडोड्यूस्ड आफ्टर गैप ड्यूरिंग विच इवेंट हैड सबसाइडेड चैलेंज मतलब हुआ डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या किए गए बेसिकली ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सट्रेशन क्या था तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसीलिए कॉजालिटी असेसमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ एरियाज में दिस इज डन एट ऑल स्टेप्स ऑफ ए ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स जितना डाटा हमने कलेक्ट किया द कलेक्टेड डाटा इज क्रिटिकली असेस्ड सारा डाटा को हम क्रिटिकली असेस करते हैं देन ओनली वी कैन से दैट द ड्रग इज कॉजिंग द एडवर्स इफेक्ट अदरवाइज वी कैन नॉट से वी कैन नॉट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप सो दिस कैन बी डन बाय कॉजालिटी असेसमेंट स्केल्स स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स इन अदर वर्ड्स फॉर एस्टिमेशन प्रॉबेबिलिटी ड्राज इन एडवर्स इवेंट बीन डेवलप्ड, जिसमें हमारा मेजर मेथड क्या है डब्ल्यू एच ओ यूएमसी क्राइटेरिया जिसको हम रिटेल में देखेंगे नारंजो प्रोबेबिलिटी स्केल इसको हम रिटेल में देखेंगे अदर्स स्केल इसको भी हम देखेंगे एंड काज स्केल इसको भी हम स्टडी करेंगे तो कॉजलिटी असेसमेंट क्या कर सकता है इट कैन डिक्रीज द डिसग्रीमेंट बिटवीन द दसेसर्स काफी चीजें हैं जिसके तो कॉज एडीआर uh, हो सकता है तो किस में हम डिसी कर सकते हैं तो वो कॉजलिटी असेसमेंट हेल्प करता है क्लासीफाई रिलेशनशिप लाइवलीहुड कितने चांसेस है ड्रग और एडीआर के लाइवलीहुड में मार्क इंडिविजुअल केस रिपोर्ट्स वी कैन मार्क देम देन असेसमेंट कैन इंप्रूव देशन एज एंड गिव अस एजुकेशन

तो स्टूडेंट्स हम स्केजल रिलेशनशिप नाउ व इंपॉर्टेंट स्केजो असेसमेंट स्केल ये दोनों स्केल्स ये दोनों स्ट्रक्चर्ड है ट्रांसपेरेंट है कंसिस्टेंट है इजी टू अप्लाई है विध डिस्टिंग एडवांटेजेस इसके अलावा क्रेमर स्केल मैंने आपको बता दिया लिवरपूल एडीआरबिलिटी स्केल बी अब इसको हम टर्म्स समझ लेते हैं क्योंकि हमें टर्म्स हमारे स्केल्स के अंदर आएंगे चैलेंज क्या होता है सिंपल चैलेंज क्या होता है गिविंग अ ड्रग टू द पेशेंट ड्यूरिंग द एडवर्समेंट कोई एडवर्समेंट हुआ कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम uh, हुई तो हमने ड्रग दे दिया सिंपल कोई इंफेक्शन हो गया पर्सन को तो हमने उसको बेसिकली ड्रग दे दिया डी चैलेंज इट बीज स्टॉपिंग ऑफ द ड्रग यूजली आफ्टर एन इवेंट तो स्टूडेंट्स कई बार चैलेंज को कोई पूछता नहीं है चैलेंज द वर्ड डज नॉट कम इन दी एरिया इंपॉर्टेंट डी चैलेंज डी मीन्स डिक्रीज डिक्रीज अ चैलेंज दैट रिफर्स टू स्टॉपिंग ड्रग आफ्टर एन एडवर्स इवेंट तो डी चैलेंज में बी कंप्लीट और पार्शियल वे से कंप्लीट यानी कि टोटल ड्रग को स्टॉप किया जाता है जिस ड्रग से एडवर्स इवेंट हो रहा है उसको स्टॉप किया जाता है औ, और पार्शियल क्या हुआ उसकी डोज को डिक्रीज की जाती है

कि क्या वो एडवर्स सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं the person was taking ampicillin, right? ampicillin लिया तो डायरिया शुरू हो गया एम्पिसिन करी डायरिया बंद हो गया तो वो क्या एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव डी चैलेंज का नेगेटिव डी चैलेंज दिस रेपर्स टू एडवर्स नॉट किया, तो एडवर्स स्टॉप नहीं हुआ डायरिया स्टॉप नहीं हुआ तो हम बोलते हैं नेगेटिव री री चैलेंज चैलेंज स्टार्टिंग द फिर दोबारा स्टार्ट कर दी उसको बोलेंगे बट ओनली थिंग इज री चैलेंज or... right? right? uh, तभी होगा जब हम री स्टार्ट करेंगे ड्रग को पॉजिटिव री चैलेंज का मतलब क्या हुआ कि जब एडवर्समेंट पॉजिटिव मतलब प्लस जब एडवर्समेंट को रीअकर हुआ जब मैंने ड्रग को दोबारा स्टार्ट किया तो वही इवेंट दोबारा आया ठीक है तो दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव रीचैलेंज टू टू हैव दिस अकर हैड बी प्रीवियसली आफ्टर डी चैलेंज ये बहुत जरूरी है जब आपने स्टॉप किया था तो एडवर्समेंट टोटली डिसअपेयर हो जाना चाहिए और जब दोबारा ड्रग दी अगर वो रीअपेयर हो रहा है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव रीचैलेंज Negative rechallenge is a case where the adverse event does not reoccur after the drug is restarted. start Let us understand the scale now. WHO UMC scale. It is a widely and globally accepted method. It provides practical tool for assessment of case supports for international drug monitoring. Students assessment co-char criteria may basically UMC scale. One is time relationship between drug use and adverse event. Second, Absence of other uh, competing cause is medication disease process itself third response to drug withdrawal or dose reduction jisko maine d challenge aapko bata diya hai fourth response to drug re administration which is re challenge to ye char factors ke upar ye who umc scale bana ab baat aati hai who to तो world health organization hai umc kya hai upsala monitoring center criteria जो criteria umc ने बनाया, upsala monitoring center criteria ने बनाया, उसको नाम दिया गया. डब्ल्यू एच ओ यमसी क्राइटेरियान ग्रुप फोर कैटेगरी पहले हम समझ लेते हैं जब ए बी सी डी दे क्या है ये ड्रग यूज एडवर्समेंट का चांसेस पूरे हैं एडवर्समेंट करने के लिए उतना ड्रग लिया एक घंटे पहले और इवेंट आ गया एक घंटे बाद

टाइम uh, रिलेशनशिप भी है अदर कॉज से कॉज नहीं होता ड्रग विड्रॉल से रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव तो तब हम बोलते हैं प्रॉबल पॉसिबल कब है जब सिर्फ ई इज मेट, बाकी मीट नहीं हो रहे सिर्फ टाइम रिलेशनशिप इज देयर सिर्फ ड्रग लिया एडवर्समेंट एक घंटे बाद देखा तो हम कहते हैं पॉसिबल चांसेस है अनलाइकली वेन ए एंड बी आर नॉट मेट जब टाइम रिलेशनशिप ही नहीं है ड्रग लिया आपने सुबह के टाइम और एडवर्स इवेंट आ रहा है रात के टाइम या अगले दिन तो आपका अनलाइकली है ठीक है तो बिसाइड द फोर कैटेगरीज अदर टू कैटेगरीज आर अनक्लासिफाइड अनकंडीशनल और बीक अनऐसेबल अनिफाइबल दिस इज अपलाइड वेन मोर डाटा इज नीडेड एंड सच डाटा इज बी सॉट और इज ऑलरेडी अंडर एग्जामिशन तब हम बोलते हैं अनक्लासिफाइड अनबल और यानी कि वेन द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट

जाने की कोई जरूरत नहीं है पॉसिबल राइट टाइमिंग आर देयर अदर कैन कॉज द एडवर्समेंट अदर ट मोर लाइकली लाइकलीबल दैट मीनस इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन देयर और कॉन्ट्रडिक्टरी देयर अब हम चलते हैं एल्गोरिथम में सेकेंड मेथड ऑफ कॉजलिटी असेसमेंट इज एल्गोरिथम इज अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक फ्लो चार्ट है ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है

क्या वो एडवर्स रिएक्शन री हुआ आर दे एनी ऑल्टरनेट कॉजेज अदर दैन द ड्रग दैट कैन कॉज द रिएक्शन तो माइनस वन हुआ अगर यस है अदरवाइज प्लस टू डिट द रिएक्शन री अपेयर मैंने प्लोज प्लेस वॉज गिवन क्या वो रिएक्शन री हुआ अगर प्लस देते हैं ड्रग नहीं प्लस देते हैं तो माइनस वन है अगर यस है तो माइनस वन नो है तो प्लस वन अदर जीरो

और उसे सेम रिएक्शन हुआ अगर प्लस वन यस अगर हम बोलते हैं यस प्लस वन तो जब जब हम यस बोलते हैं तो ये स्कोर आता है और नो होता है तो ये स्कोर आता है डोंट नो तो ये स्कोर आता है तो सिमिलर तो रिएक्शन इन एनी प्रीवियस एक्सपोजर तो अगर प्लस वन होता है तो स्टूडेंट्स आई मस्ट से कि ये सिमिलर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली ड्रग कैन हैव द चांस टू कॉज एरिया वॉज द एडवर्स इवेंट कंफर्म बाई एविडेंस अगर येस है तो प्लस वन तो सारे स्कोर्स को जब हम टोटल करते हैं अगर हमारा स्कोर अब एट है तो प्रोबेबल इज देर टू फोर है तो पॉसिबल इज देअर डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड एरियाबल मीन्स वन टू फोर मीन्स दैट इज पॉसिबल रिलेशनशिप अब थर्ड लेते हैं बेसिन एडवर्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बॉडी

उसके हिसाब से ये पी आर ओ है बता, बताया बताया गया अदर फाइव डील विद के साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन है जैसे जैसे कि पेशेंट हिस्ट्री है तो एच आई तो क्या प्रॉबिबिलिटी है राइट right? इन सब को एक रेशियो दी गई है रेशियो क्या है आपका एल आर क्या है लाइटलीहुड रेशियो कितना लाइटलीहुड चांसेस है

तो ये डिस्क्राइब करता है इंटेंसिटी ऑफ अ मेडिकल इवेंट जब यानी कि ग्रेड कर सकते हैं माइल्ड में मॉडरेट में सिवियर में और काच लसागना ने क्या किया है इसको बेसिकली चार तरीके से करे माइनर नो एंटीडोट नो थेरेपी मॉडरेट रिक्वायस इन थेरेपी सी लाइफ थ्रेटनिंग कॉजिंग पर्बनल डैमेज लीथल डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल देख सकते हैं माइल्ड

this a uh, very serious area. Then next next severity assessment scale heart failure ne bhi diya hai. ADR occurred but required no change in treatment with suspected drug. कोई treatment change करने की जरूरत नहीं है तो level वन मेर कर दिया Level टू treatment can be held discontinue कर दिया but कोई और treatment start नहीं किया Level थ्री क्या है treatment held कर दिया discontinue कर दिया और change कर दिया तो level थ्री आ गया Level फोर

ये बेसिकली uh, काफी इंस्ट्रूमेंट्स है लेकिन हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड शिमॉक थॉन्टन स्केल अब हम इसको देख लेते हैं कि सर से डेफिनेटली प्रोबेबल है प्रोबेबली प्रिवेंटेबल है नॉट प्रिवेंटेबल है स्टूडेंट अगर यहाँ पर येस yes का आंसर आता है तो डेफिनेटली प्रिवेंटेबल है यहां येस yes का आंसर आता है तो प्रोबेबली प्रिवेंटेबल है ठीक है कैसे वॉज द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी या एलर्जीड ड्रग अगर हम बोलते हैं डेफिनेटली प्रिवेंटेबल इट कैन बी प्रिवेंटेड ड्रग इन Definitely preventable. Was dose root frequency inappropriate? Yes. Definitely preventable. Was toxic serum concentration documented? Yes. Definitely preventable. Was a known treatment for IDRs? Definitely preventable. Probably. Was therapeutic drug monitoring not performed? So probably preventable. Was a poor compliance involved in DR? Probably in, in, uh, preventable. Were preventive measure not prescribed to the patient? So that means it could have probably prevented, otherwise not preventable. प्रडिक्टेबिलिटी टाइप ए टाइप बी इसको हम पहले ही प्रोडक्ट चुके हैं एक्सटेंशन पार्मोलॉजी के पैट ऑफ प्रेडिक्टेबल डोज डिपेंडेंट जैसे एंटीकोलोजिक्स क्या करते हैं ड्राई माउथ करते हैं तो टाइप ए प्रेडिक्टेबल टाइप बी अनप्रेडिक्टेबल और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन रियर अनप्रेडिक्टेबल लाइक क्लोरिकॉल के कॉज ए प्लास्टिक एडिमिया पेंसिलिन के कॉज एनिफेल्ट शॉक तो दीज आर टाइप बी अनप्रेडिक्टेबल अनप्रडिक्टेबल तो स्टूडेंट्स ये सारे हमारे रेफरेंसेस हैं लेकिन रेफरेंस से पहले मैं आपको एक scale, right? students, ये स्केल स्केल दोबारा से थोड़ा सा बताना चाहूंगी स्केल ये सर्टन इवेंट तब यूज किया जाता है जब आपका एबनॉर्मलिटी टाइमिंग है राइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई डिजीज है रिस्पॉन्स विद्रॉल पॉसिबल है इवेंट डेफिनेटिवली फार्मोकोलॉजिकल पॉसिबल है रीचैलेंज भी सेटिस्फैक्ट्री है प्रॉबेबल कब बताऊंगी प्रॉबेबल तब बताऊंगी जब इवेंट एबनॉर्मलिटी है

तो स्टूडेंट्स मुझे आई होप समझ आ गया किस तरीके से हम कॉज़लिटी असेसमेंट के टर्म्स को यूज करते हैं सो दीज आर द रेफरेंसेस यू कैन सी दीज गो थ्रू दीज रेफरेंसेस एंड थैंक यू यू हैव अंडरस्टूड द कॉज़लिटी असेसमेंट सिविरिटी प्रेडिक्टेबल एंड प्रिवेंटेबल असेसमेंट थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर पेशेंट लिस